अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल शो यू हाउ टू ड्रा मॉस्क। आज हम मस्जिद बनाएंगे। पहले हम बनाएंगे चांद, चांद के ऊपर हम मस्जिद बनाएंगे और नीचे कुछ मतलब के चांद वगैरह लगाएंगे, स्थाई वगैरह इस तरह करके। अब हम लोग चांद बना रहे हैं, चांद बनाते हैं हम लोग। चांद बनाने के बाद हम लोग बनाएंगे ऊपर मस्जिद। मस्जिद हम लोग स्केल से बनाएंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप, चांद बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रकाश से बना सकते हैं आप। मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं ऊपर मस्जिद। मस्जिद बनाएंगे हम स्केल से, ब्लैक मार्कर का यूज़ हम कर रहे हैं मस्जिद के लिए भी। अभी मस्जिद बना रहे हैं ऊपर हम। अब ये गोल से थोड़ी सी गुलाई के साथ लाइन बनाएंगे आप। मैं तो हाथ से बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे थोड़ी बहुत सही बन जाती है। अब आप कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, मतलब के डी या प्रोटेक्टर लेके आप उस पर रख के बड़ी बनानी हो तो उससे बना सकते हैं। मैं नीचे बना रहे हैं। इसके लिए भी आप कोई चीज़ टूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर छोटा सा सर्कल बना के, मतलब के नीचे थोड़ा सा छोड़ के ऊपर टू सर्कल बना के थोड़ी सी लाइन लगा के हम ऊपर छोटा सा चांद बना देंगे। इस छोटे से चांद बनाने के बाद हम बनाएंगे मीनार। मीनार बनाने लगे हम। ये टू लाइन्स लगाएंगे, वन हमारे ऊपर उसके साइड मस्जिद के ऊपर ही बन जाएगी, साथ छोटी सी गुलाई कर लेंगे। आप कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। दरमियान में थोड़ा सा फासला छोड़ देंगे हम लोग और टू लाइंस लगा लेंगे। देखने हैं अभी, आप देख लें, हम बनाने लगे हैं टू लाइंस। स्केल से लगा रहे हैं, वन हम राइट साइड पे लगाएंगे, वन लेफ्ट साइड पे। ऊपर दोबारा से टू लाइंस लगाने के बाद अब ऊपर कोई गुलाई करेंगे। आप कोई टू यूज वगैरह यूज कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था। पर साइड साइड की तरफ कोई लाइंस लगा के ऊपर से थोड़ी सी गुलाई कर देंगे। उसके बाद छोटा सा सर्कल लगा देंगे जो आखिर से मतलब के थोड़ा सा कम होगा। ऊपर फिर टू सर्कल लगा के, वन लाइन लगा के ऊपर सर्कल बना देंगे हम छोटा सा, जैसे कि हमने पहले बनाया था। अब ये जो हम बना रहे हैं, ये छोटे से दरवाजे थे, ये खिड़कियाँ भी कह सकते हैं इनको, ये बना रहे हैं अभी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने अपनी आवाज़ के साथ कुछ वीडियो बनाई है। पहले मैं कभी भी अब अपनी आवाज़ के साथ वीडियो नहीं बनाई। आप देख सकते हैं मेरी पिछली सारी वीडियो मैंने मतलब के म्यूज़िक ऊपर लगा के इसने अपलोड की है। आज मैंने सोचा कि हम लोग अपनी आवाज़ के साथ बना सकते हैं। तो आज से पहले मैंने कई दफ़ा मस्जिद में बनाई है, मॉस्क इतनी बना के हटाऊँ मैं पीछे अपलोड की है। आपने देखनी तो फिर मैं क्या नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा हो गई अगर आपने मॉस्क सीखनी है। अगर आपको कोई ऐसी ड्राइंग है जो आपको समझ ना आ रही, मतलब कि स्कूल अगर आपके एक स्टूडेंट है स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कोई डायग्राम की समझ ना आ रही हो तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगा आपको। और अगर ये आखिर पे आप जब बन गई तो आप लास्ट तक वीडियो देखें, अगर सही बनी तो मॉस्क आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब दूँ। मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ना ही मैंने कोई कोर्स किया या फिर मतलब कि क्लासेस ली है किसी से, बट मेरी कुछ ड्राइंग अच्छी थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं ड्राइंग बनाकर वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी मैं हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले सबसे पहले पहुँच जाए। मैंने आपको कहा था कि हम पहले चांद बनाएंगे, फिर हम ऊपर क्या नाम है मतलब कि मस्जिद बनाएंगे, उसके बाद मैंने आपको बताया था हम लोग चांद या मतलब कि स्टार्स वगैरह नीचे बनाएंगे तो फिर उससे डिज़ाइनिंग करेंगे।
अब ये देखें हम लोग कुछ मतलब के रस्सी की तरह लटका के ना ऐसे ही तो चीज़ें बनाई है डिज़ाइनिंग के लिए। पहले स्ट्रेट लाइंस थोड़ी सी उल्टी करके लगाई हैं, अब हमें दूसरी तरह से लाइंस लगाई हैं थोड़ी सी टेढ़ी करके। उसके बाद हम दोबारा लाइन लगा के वन सर्कल बनाएंगे, उसके बाद दोबारा लाइन लगाएंगे सर्कल बनाएंगे और उसके नीचे एक स्टार बना लेंगे छोटा सा। स्टार बनाने के बाद हम लोग एक और लाइन लगाएंगे छोटी सी और उसके नीचे बना लेंगे सर्कल। अब बाहर हम लोग लाइन लगाते हैं, फिर छोटा सा स्टार बनाते हैं हम लोग। स्टार बनाने के बाद अब दोबारा नीचे लाइन लगाएंगे छोटी सी, फिर सर्कल बना लेंगे छोटा सा। दोबारा लाइन लगाएंगे हम लोग, दोबारा लाइन लगाने के बाद हम छोटा सा सर्कल लगा के नीचे वन लाइन लगा के और सर्कल बना लेंगे, फिर छोटी सी लाइन लगा के और वन स्मॉल सर्कल बना लेंगे। इस बार हम ऊपर आते हैं तो अब ऊपर आके हमें थोड़ी सी मतलब के मार्कर से ना कलर करेंगे, ड्रा करके थोड़े से कलर कर देंगे। आप इसके बाद आप देख सकते हैं हम मीनार में आते हैं, थोड़ी सी वो जो मैंने आपको बताया था कि आप खुद यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग आएंगे। तो वहाँ पे आते हैं क्या नाम है, वहाँ छोटी सी लाइन लगा के बाद ऊपर हम लोग विंडोज़ की बात चल देते हैं। विंडोज़ की बात करके विंडो का ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर करने के बाद जो हमने मतलब के मस्जिद के नीचे बनाए थे, मस्जिद के अंदर भी विंडोज़ बनाई थी, मस्जिद की विंडोज़ के अंदर भी हम लोग ब्लैक कलर के साथ मार्कर के साथ फिल कर देंगे उनको। आप पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्लैक मार्कर चूज़ की थी। इसके बाद जो हमने ब्लैक कलर से कलर किए थे उसके नीचे ही हम वन लाइन लगाते हैं थोड़ी सी टेढ़ी करके। उसके बाद हम लोग जाते हैं ऊपर मीनार से, जो हम लोग बनाया था मीनार, आम जबान में मीनारी कहते हैं हम उनको, तो वहाँ पे ऊपर जाकर सर्कल्स के नीचे हम थोड़ी सी मार्कर से लाइनिंग्स लगाएंगे। और आप भी एक स्टूडेंट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस क्लास में पढ़ते हैं और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप। मेरे स्कूल का नाम जॉइंट फोर्सेस पब्लिक स्कूल है और मैं वहाँ पढ़ता हूँ। जॉइंट फोर्सेस पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और मैं प्ले ग्रुप से वहीं पढ़ रहा हूँ, वहीं से मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई। मैं प्ले ग्रुप से लेके नाइन्थ एट्थ मतलब के वहाँ तक की है। मेरा एक और भाई भी है, वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है एट्थ में, उसका नाम बिलाल है। उसका अपना अलग से चैनल है, बिलाल आर्ट एंड ड्राइंग अकेडमी है। अब हम दोबारा मीनार के पास मीनार के नीचे से थोड़े से वहाँ पर कलर कर रहे हैं। पहले हमने मस्जिद में कलर कर चुके हैं, अब हम लोग अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। तो अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।